हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे अपने फिटनेस यूट्यूब चैनल एमके फिटनेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक परफेक्ट फॉर्म में पुशअप लगा सकते हैं और कैसे अगर आप एक भी पुशअप नहीं लगा पाते हैं तो कैसे अपने पुशअप की फॉर्म को इम्प्रूव करें, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा पुशअप लगाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, परफेक्ट फॉर्म की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में और बात करेंगे कैसे आप अपनी हैंड और अपनी रिस्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं जिससे कि आप एक बेहतर पुशअप लगा सकते हैं, एक करेक्ट फॉर्म में पुशअप लगा सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में बात करेंगे आपके कोर के बारे में कि कैसे आप अपने कोर को स्ट्रांग बना सकते हैं जिससे आपको आपको पुशअप लगाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बात करते हैं सबसे पहले एक परफेक्ट फॉर्म की कि पुशअप लगाने की एक परफेक्ट फॉर्म क्या होती है। दोस्तों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि परफेक्ट फॉर्म पुशअप लगाने की क्या होती है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने अपना कोर को इंगेज कर रखा है, मैंने अपनी अपने जो हैंड की पोजिशन है वो अपने चेस्ट के बगल में रख रखी है और मैंने अपनी अपने कोर को स्क्वीज किया है, अपने ग्लूट्स को स्क्वीज किया है और साथ में मैंने अपने चेस्ट को अप किया है। और दोस्तों, मैं परफेक्ट फॉर्म में पुशअप लगा रहा हूँ, फुल ऑन डाउन और फुल ऑन अप। दोस्तों, यही करेक्ट पोस्चर में आपको पुशअप लगानी है और सीखना है कि कैसे पुशअप एक परफेक्ट फॉर्म में लगा सकते हैं। दोस्तों, आप अपने लेग की मूवमेंट्स को भी चेंज कर सकते हैं। आप थोड़ा सा क्लोज भी ला सकते हैं अपने लेग्स की मूवमेंट को और थोड़ा सा आप वाइड ओपन भी कर सकते हैं अपने लेग्स की मूवमेंट को। तो दोस्तों, अगर आप बिगनर हैं तो आपको फॉर्म की चिंता नहीं करनी है स्टार्टिंग में और आपको लगाना सीखना है कि कैसे एक परफेक्ट पुशअप लगाते हैं। धीरे धीरे जब आपकी प्रोग्रेस होगी, धीरे धीरे आपके हैंड्स में स्ट्रेंथ आएगी, आपके कोर में स्ट्रेंथ आएगी, तो आप धीरे धीरे एक परफेक्ट पुशअप लगाना भी सीख जाएंगे। तो दोस्तों, अगर इसके प्रोग्रेशन की बात करें, अगर आप बिगनर हैं तो पुशअप कैसे लगाएं, तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसे मैं पुशअप लगा रहा हूँ, ये बिगनर की फॉर्म की पुशअप है। अगर आप इस पुशअप के थ्रू शुरुआत करेंगे अपनी, तो आप इजीली 1, 2, 3, 4, 5 तक पुशअप या 10 तक पुशअप आप निकाल सकते हैं इजीली। अगर आप कम भी पुशअप निकाल लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, वेल एंड गुड है। आप धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस को इंक्रीज कर सकते हैं। धीरे धीरे आप जब कंफर्टेबल हो जाएंगे इस पोजिशन में पुशअप लगाने के लिए, तो धीरे धीरे आपको प्रोग्रेस मिलती रहेगी और आपके हाथ में और आपके कोर में स्ट्रेंथ आती रहेगी। तो दोस्तों, मैंने बिगनर पुशअप की फॉर्म में भी अपने कोर को टाइट रखा है और अपने ग्लूट्स को स्क्वीज किया है। और दोस्तों, मेरे आप हैंड की प्लेसमेंट देख सकते हैं, वो हैंड्स की प्लेसमेंट मेरे शोल्डर के ऊपर की विड्थ के बराबर में। तो दोस्तों, आप इस फॉर्म से पुशअप की शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे उसके बाद में आप एडवांस फॉर्म में जो रेगुलर पुशअप की फॉर्म होती है उसमें धीरे धीरे प्रोग्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, पुशअप लगाने के लिए आपका कोर का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, आप कोर को स्ट्रांग करने के लिए कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जिसमें मैंने ये एक्सरसाइज आपको इंट्रोड्यूस की है। तो दोस्तों, आप प्लैंक होल्ड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने बिगनर और एडवांस प्लैंक दोनों को इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों, आप बिगनर प्लैंक से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बिगनर हैं तो स्टार्टिंग में आप 15 से 30 सेकंड के होल्ड के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस प्लैंक वीडियो में देख सकते हैं, आपको कोशिश करनी है कि आप एक परफेक्ट फॉर्म में प्लैंक को स्टार्ट करें। तो दोस्तों, धीरे धीरे अगर आप इस एक्सरसाइज के साथ में कंफर्टेबल हो जाएं तो आप अपना ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपना टाइम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट, 1.5 मिनट और 2 मिनट तक इंक्रीज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में जैसी फॉर्म मैंने मेंटेन कर रखी है, आपको कोशिश करनी है कि आप वैसी फॉर्म मेंटेन करें। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने अपने ग्लूट्स को स्क्वीज कर रखा है, मैंने अपने कोर को टाइट रखा है और मेरे हैंड जो है वो स्ट्रेट है। दोस्तों, ये बिगिनर फॉर्म है, आप इसको 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक लगा सकते हैं डेली अपने वर्कआउट के साथ में। दोस्तों, जैसे जैसे आपका कोर स्ट्रांग होता जाएगा तो वैसे वैसे आपको अपने पुशअप में स्ट्रेंथ दिखनी चालू हो जाएगी, आपकी फॉर्म सुधरनी चालू हो जाएगी और आप एक परफेक्ट फॉर्म में पुशअप लगाना चालू कर देंगे। दोस्तों, ये एक एडवांस प्लैंक है, आप इसमें भी फॉर्म देख सकते हैं। मैंने अपने कोर को टाइट रखा है इसके अंदर में। तो दोस्तों, आपको भी कोर को टाइट करना है, अपने ग्लूट्स को स्क्वीज रखना है, अपने लेग को स्ट्रेट रखना है और आपको चेस्ट को अप रखना है। दोस्तों, आप इसमें वेरिएशंस भी चेंज कर सकते हैं, आप स्ट्रेट आर्म भी होल्ड कर सकते हैं और आप एक पंच की फॉर्मेशन में भी लगा सकते हैं प्लैंक। दोस्तों, ये प्लैंक की एक्सरसाइज आपके ओवरऑल
कोर को स्ट्रॉन्ग करेगी, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस एक्सरसाइज का और एक फायदा क्या है कि आपके आपकी थाई में भी इसका इफेक्ट आता है काफी, तो आपके जो क्वाड्स होते हैं, क्वाड्स की मसल्स में भी आपकी स्ट्रेंथ आ रही है धीरे धीरे, और आपके काफ्स भी टाइट हैं, तो आपके काफ्स पे भी थोड़ा बहुत असर पड़ रहा है। आपके शोल्डर भी इससे स्ट्रांग हो रहे हैं और आपके आर्म्स पे ओवरऑल इफेक्ट पड़ रहा है। तो दोस्तों होप्स हो आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी और इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आपको ये एक्सरसाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डेली लगाएं इस एक्सरसाइज को और अपने कोर को स्ट्रांग करें। तो दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो को देखने का, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, और दोस्तों अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों की और ज्यादा हेल्प हो सके और वो अपने छोटे छोटे गोल्स को अचीव कर सके। टिल देन हेल्दी रहें, फिट रहें, अपना ख्याल रखें और कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी अपने डेली रूटीन में करते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, बी हेल्दी, बी फिट एंड जय हिंद। Yeah.